नमस्कार मित्रों, न्यू उड़ान क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। सभी विद्यार्थी है, एक बार इस सेशन को शेयर करो, क्योंकि ये शेयर आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इसलिए ज़रूरी है क्योंकि 2022 की जो बदती थी अपने पशुधन साई की, उसका जो पेपर हुआ था उसका एनालिसिस कर रहे हैं, और विथ प्रूफ कि भाई न्यू उड़ान ने जो पढ़ाया कितना कहाँ से मैटर आपके आया था, और वो मैटर आपके पास में है। आप भी निकाल के बैठ जाइए बुक वगैरह नोट्स वगैरह, ताकि आपको भी पता चले कि किस प्रकार क्या है। क्योंकि हम ये चाहते हैं कि स्टूडेंट को पता चले कि रियली में मेहनत कहाँ पर हुई, किस प्रकार काम हुआ है। हमने जो बोला सही है कि नहीं, आपको पता होना चाहिए ये चीज़। इसका आज आपके सामने सभी विद्यार्थियों के लिए ये सेशन लेके आए। तो अभी आपके सामने डॉक्टर आपके सुरेश जी पलसानिया जी आपके सामने आएंगे, आपके 2022 का पेपर, जिसके अंदर जीके तो आप सभी विद्यार्थियों को पता है कि 40 क्वेश्चन थे, बहुत इजी थे, इतने डीप नहीं थे, पूरे के पूरे क्वेश्चन आपने नोट्स में से आए थे। लेकिन 2022 का जो पेपर था उसके अंदर देखने योग्य बात ये थी कि वेटनरी के 80 में से किस संस्था से, किस टीम से कितना मैटर आया, तो वो आपको देखने लायक बात है। वो आज आपको यहाँ पर हम प्रूफ करवाएंगे, क्योंकि हर चीज़ सिर्फ माउथली बोलने से नहीं होती है, हमारे इतने प्रूफ भी हर चीज़ का बहुत ज़रूरी होता है। तो न्यू उड़ान क्लासेज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आपके सामने ये वीडियो आज पेश हो रहा है, और हमेशा रहेगा कि हमने किस प्रकार काम किया था, फ्यूचर में किस प्रकार कर रहे हैं। थोड़ा सा सर आ रहे हैं, तब तक अपन डिस्कशन कर लेते हैं। पहले बता देती हूँ कि अपने 2022 की जो भर्ती है उसमें न्यू उड़ान कोचिंग क्लासेज ने लगभग आपके 200 सिलेक्शन दिए मात्र ऑफलाइन, जिसमें ऑनलाइन वाले अलग विद्यार्थी है, बहुत सारे विद्यार्थी है जिनके भी हमारे पास फोटो भी नहीं आई है। ऑफलाइन में हमने 200 सिलेक्शन न्यू उड़ान कोचिंग क्लासेस ने दिए हैं, ठीक है। इसी के साथ में 2022 की भर्ती की जो पूर्ण हो गई है, वापस 1,00,000 वैकेंसियों की मायनों ने CM साहब ने घोषणा की है, जिसके अंदर पशुधन की भी संभावना है, क्योंकि 2639 आपके सब सेंटर खोलने की इसमें घोषणा हुई है। 2023-24 का जो बजट है, तो आपको पता है कि बजट के अंदर आपके अंदर खोलने की घोषणा हुई है, तो वहाँ पर पशुधन सहायक और VO ये दोनों की आपके वैकेंसी आएगी, क्योंकि वहाँ पर दोनों की ज़रूरत होती है, डॉक्टर भी लगेंगे और पशुधन सहायक भी लगेंगे। तो सभी विद्यार्थी एक बार इस सेशन को शेयर करें। सर जब तक आ रहे हैं ना, एक बार भाई जाओ फटाफट अपने व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, आपके टेलीग्राम वगैरह जो भी आप चलाते हो ना, उस पर शेयर करके आओ, और उनको सभी को पता चलना चाहिए कि वास्तव में न्यू उड़ान ने काम किया है वो क्या था, सिर्फ उन्होंने बोला था या काम भी किया था। तो हमारी टीम के माध्यम से आपके पास में न्यू उड़ान क्लासेज की गाइड है, नोट्स है, सारे आप लेके बैठ दीजिए, ना कि हमने किसी प्रकार का एडिट किया, कुछ भी नहीं किया। आप वहाँ पर देख लीजिए, आपको वहाँ पर सारी चीज़ें मिलेगी, ठीक है भाई। सभी को नमस्कार, गुड इवनिंग, राम राम, ठीक है। सभी को जय श्री राम, सभी को जय श्री राम, जय श्री राधे राधे सभी को, ठीक है। एक बार जाओ सेशन को लाइक और शेयर कर दो, दूसरा शेयर करके आओ। अभी तक 30 स्टूडेंट है मात्र, और आपकी ज़िंदगी का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट जो 22 में रहा था और आगे 23-24 की भर्ती में रहने वाला है, ये आपके लिए होने जा रहा है। तो इतने कम विद्यार्थी नहीं होने चाहिए, बहुत ज़्यादा विद्यार्थी होने चाहिए, बटा के शेयर करो इसको जाके। और दूसरी चीज़ आपके लिए ये बता दूं, पशुधन साई के ऑफलाइन बैच जयपुर सेंटर पे स्टार्ट हो गए हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बिगेस्ट न्यूज़ ये है कि न्यू उड़ान क्लासेज इस बार जो भी काम करेगा, चाहे टेस्ट सीरीज हो, चाहे पर्सन सीरीज हो, कुछ भी हो, सारी दोनों लैंग्वेज में कराएंगे, हिंदी और इंग्लिश में, ताकि एग्ज़ाम 2023 के अंदर आपको किसी प्रकार की कठिनाई का सामना नहीं करना पड़े। क्योंकि 22 का जो पेपर हुआ था उसके अंदर ये चीज़ देखी गई थी कि कहीं ना कहीं हिंदी की जो लैंग्वेज थी वो टफ आ गई थी, तो उस समय कहीं जिन लोगों ने इंग्लिश में थोड़ा बहुत पढ़ रखा था उनके लिए बहुत ही अच्छा पेपर गया था। तो इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए टेस्ट सीरीज, क्वेश्चन सीरीज जो भी होगा, चाहे क्वेश्चन पेपर भी हो, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज के अंदर होंगे। अब आपके सामने डॉक्टर सुरेश जी पलसानिया है, बहुत जल्दी आपके सामने आ रहे हैं, ठीक है। तब तक के लिए आप एक बार वीडियो को शेयर कर दो भाई, दबा के शेयर कर दो वीडियो को। और मैंने पहले भी बोला था 2019 से लेके 22 तक बोल के मेरा जो गला है ना पूरी तरीके से छिल गया था। भर्ती आएगी, टाइम कम मिलेगा, दोबारा बोल रही हूँ, भर्ती आएगी और टाइम कम मिलेगा, बस तैयारी करो, जैसे भी करनी है, घर पे रह के करनी है, ऑनलाइन करनी है, ऑफलाइन करनी है,
डोंट मैटर, जो भी जैसे आपको लगे, जैसे आप कंफर्टेबल हो, ठीक है ना, वैसे करो, लेकिन तैयारी करना शुरू कर दो, वो आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होगा। नहीं तो कल को भर्ती एग्रीकल्चर सुपरवाइजर आ रही है, अरे भाई एग्रीकल्चर सुपरवाइजर भी आ जाएगी, पशुधन भी आ जाएंगी, वीओ भी आ जाएंगी, सारी भर्ती आएंगी, आप निश्चित रहो। ऑनलाइन ही था, मेरी पोस्टिंग शिखर में है, कौन है, कृष्ण, मैं भी ऑनलाइन ही था, मेरी पोस्टिंग शिखर में है, धन्यवाद साहब। अब आपके सामने जोधपुर में भी बेंच बहुत जल्दी शुरू हो जाएंगे। अब आपके सामने आपके प्रिय गुरुदेव डॉक्टर सुरेश जी पलसानिया है, वो उपस्थित हो रहे हैं। और दूसरी सूचना मैं भी आपको, ये सर आपके सामने आपके आगे है, ठीक है सर, आप थोड़ा सा इनको, दूसरी चीज मैं बता देती हूँ, अपने एप्लीकेशन के अंदर न्यू उड़ान क्लासेज का जो एप्लीकेशन है ना, उसके अंदर बहुत जल्दी पशुधन साइकिल लाइव बेंच शुरू कर रहे हैं, ठीक है ना। और सर ने आपके लिए एनाटॉमी की आज एक क्लास शूट की है, वो आपके न्यू उड़ान क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे कल आपको देखने को मिल जाएगी। तो नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग, कैसे हो, उम्मीद करता हूँ आप सभी विद्यार्थियों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और अब जल्दी से तैयार हो जाइए 2023 वैकेंसी के लिए, सभी अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो आज का जो अपना सेशन है वो अपन लेकर आए हैं, जो LSA 2022 का जो पेपर था वो अपनी किताब से और अपने नोट्स में से कितने क्वेश्चन आए हैं, कितने आउट ऑफ सिलेबस आए हैं, ये आपको प्रूफ करवाने के लिए हम आज का ये सेशन लेके आएंगे कि हमने कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ें लिखवाई थी और उनमें से कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ें उठकर आई हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो भी विद्यार्थी अभी न्यू उड़ान क्लासेस से नहीं जुड़े हुए, जुड़ जाइए, हमने शुरू कर दिया यहाँ पे ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों बहस शुरू कर दिए हैं। वैकेंसी जल्दी आएगी, पिछली बार की तरह टाइम नहीं मिलेगा, तीन मैंने कहा अभी आपके पास टाइम है तो आप इजी वे में पढ़िए, और अगर आपके कोई दोस्त वगैरह और भी हैं तो उन्हें भी ये वीडियो शेयर कीजिए, ठीक है भाई। अब मैं आपके कमेंट पढ़ लेता हूँ, जितने फाइल प्रिपेयर हो रही है। पुष्कर कीर, पूनिया सर भी आएंगे, पुष्कर तो वही है जो लाइव क्लासेज में बहुत कमेंट करता था। सब आ जाएंगे, टीम सारी वो की वही है, मैं हूँ, पूनिया सर है, पीडी सर है, सभी को राधे राधे, सभी को नमस्कार, सब आएंगे, टेंशन मतलब, हाँ डीडी सर भी आएंगे, सब आएंगे, मैं डीडी सर, पूनिया सर, वो की वही टीम है, चिंता ना करें आप। मैंने केवल न्यू उड़ान की गाइड ही पढ़ी थी, किशन कह रहा है, बढ़िया बात है, नमस्कार भाई पुष्कर, नमस्कार। मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ मैम, एक नंबर से गया। देखो वन नंबर से रहना या पॉइंटों से रहना ये तो लक के ऊपर डिपेंड करता है, इसमें भगवान ही रखता है, आपकी मेहनत में कोई कमी नहीं है, क्योंकि एक नंबर से अगर कोई भी इंसान रहता है तो वो भगवान ही रखता है, आप नहीं रखते, ठीक है दोस्तों। तो शुरू करें पहले क्वेश्चन से अपन। सर आपको पूरा लाइव सेशन करा रहे हैं, इस दौरान आपने जो 22 का जो पेपर दिया है विथ प्रूफ न्यू उड़ान क्लासेज के जो नोट्स और गाइड है पेज नंबर तक आपको बता रहे हैं, आप नोट किए करिए, ठीक है। और रही बात टीम की, तो न्यू उड़ान क्लासेज की वही टीम, डॉक्टर राकेश जी पूनिया, पलसानिया जी, डीडी गोयल सर, आपके गौरव जी जैन और डॉक्टर गोविंद जी धाकड़, और वही जीके की सारी टीम है, उसी तरीके से काम करेंगे, मस्त रहो, मौज करो। और दोबारा बता देती हूँ, जैसे 22 की भर्ती में ट्रेलर आया था पशुधन के अंदर किसका, वेटनरी का, इसी प्रकार 23 में भी ट्रेलर आएगा, क्योंकि RSMS बोर्ड ने अपना एक ट्रेंड है वो चेंज कर दिया है, चाहे किसी की भी हो, चाहे डिप्लोमा की, चाहे अपने इलेक्ट्रीशियन की हो, या अपने एनिमल्स की हो, या नर्सिंग वाला हो, किसी भी हो ना, उनके अंदर पर्टिकुलर सब्जेक्ट के जो क्वेश्चन है ना वो डीप और अच्छी लैंग्वेज के अंदर दे रहे हैं। तो विशेष रूप से आपसे निवेदन है वेटनरी के अंदर आप थोड़ा सा ध्यान रखें, क्योंकि 22 का पेपर है ना आपके लिए सिर्फ डेमो था, अब आगे आप देखते जो बहुत शानदार और आने वाले हैं, तो वेटनरी को हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि आप लोगों के कहीं ना कहीं माइंड में पिछली बार ये था कि वेटनरी हमारा सब्जेक्ट है,
आएगा जी के हार्ड आएगा, नहीं हुआ था और आगे भी नहीं होगा। इस बार बता देती हूँ 23 के अंदर भी वैसे आएगा, क्योंकि आज एसएमएस बोर्ड ने अपना जो पेपर का पैटर्न है ना वो इसी प्रकार कर दिया है, तो उस प्रकार ही करता है वो, सिर्फ एलएसए की नहीं, वो हर वैकेंसी में इसी प्रकार काम करता है। ठीक है भाई, आगे आपके पलसानी है जी, आपको सारे क्वेश्चन करा रहे हैं, आप देखते चलो। ये नेक्स्ट स्लाइड में ही तो इसका मतलब अपन ने प्रूफ दिया है। ठीक है, तो देखिए भाई पहला क्वेश्चन अपन शुरुआत करते हैं। 1 से 40 तक के क्वेश्चन आपके जनरल नॉलेज के थे और 41 से अपनी वेटनरी सब्जेक्ट थी। टोटल 120 क्वेश्चन का आपका पेपर था। तो पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन अपन देखते हैं दोस्तों। देखिए पहला क्वेश्चन, हु इज नोन एज फादर ऑफ मेडिसिन, चिकित्सा के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? इसका सही आंसर क्या है? हिप्पोक्रेट्स। सही आंसर क्या है दोस्तों? हिप्पोक्रेट्स है। ठीक है, अब देखिए भाई हिप्पोक्रेट्स, अब इसका एग्जाम आपको लाइव प्रूफ कराता हूं अपनी बुक वेटनरी मेडिसिन न्यू उड़ान। ये देखिए इसमें नीचे ही नीचे फादर ऑफ वेटनरी मेडिसिन हिप्पोक्रेट्स ये लिखा हुआ। और आपको बता दूं अपनी केवल न्यू उड़ान की गाइड एक ऐसी गाइड है मार्केट में जिसने सभी सब्जेक्ट्स के फादर दिए हैं। जैसे एक रामनाथन चोपड़ा का भी आया था फार्मेकोलॉजी में। तो देखिए आप फादर्स से 2 क्वेश्चंस पूछे थे अपने, मेडिसिंस के फादर भी लिखा है, एनाटॉमी के सभी सब्जेक्ट्स के लिखा है। तो ये क्वेश्चन देख लीजिए आपसे, फादर ऑफ वेटनरी मेडिसिन हिप्पोक्रेट्स। तो ये बिल्कुल प्रूफ हो गया। पेज नंबर भी साइड में लगा रखा हमने, 347 पेज नंबर पे ये दिया हुआ है कि फादर ऑफ वेटनरी मेडिसिन कौन सा है? हिप्पोक्रेट्स। फादर ऑफ इंडियन मेडिसिन या फादर ऑफ वेटनरी मेडिसिन ये पूछा, सिंपल क्वेश्चन पूछा था, फादर ऑफ मेडिसिन नॉट वेटनरी मेडिसिन, तो वो भी लिख रखा हमने हिप्पोक्रेट्स। हालांकि ज़्यादा पूछने के चांसेस ये रहते हैं फादर ऑफ इंडिया वेटनरी मेडिसिन, लेकिन ओनली मेडिसिन पूछा था तो हिप्पोक्रेट्स। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, जब संक्रामक रोग महामारी किसी देश में असामान्य रूप से बड़े आकार में पहुंच जाती है या कई देशों या महाद्वीपों में फैल जाती है तो इसे कहा जाता है? अब आपको हिंदी पढ़नी नहीं, इंग्लिश पढ़नी है, हिंदी बहुत खतरनाक है। देखो छिटपुट रोग, छितराया हुआ रोग, इसलिए आपको ये सारी टर्मिनोलॉजी बुक्स के अंदर अपनी गाइड के अंदर इंग्लिश में लिखवा रखी है और मेडिसिन में मैंने भी क्लास में आपको ये सारी चीज़ें बताई थी। ठीक है, अब इसका भी प्रूफ देखते हैं, इसका आंसर क्या जाएगा? यानी ऐसी बीमारी जो असामान्य रूप से कई देशों या महाद्वीपों में फैल जाती है, यानी एक कंट्री को क्रॉस करके सारी कंट्रियों में फैल जाती है, यानी लगभग विश्व में फैलने के चांसेज है, जैसे COVID-19 आया था। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? पैंडेमिक। इसीलिए तो उसका नाम लिखा था COVID-19 पैंडेमिक डिजीज घोषित कर दिया था WHO ने। तो पैंडेमिक ऑप्शन किस में है? केवल ये तो सही आंसर क्या गया था? पैनजूटिक या पैंडेमिक। अब इसका प्रूफ करवा देते हैं आपको, देखिए ये रहा पैंडेमिक या पैनजूटिक, दोनों शब्द लिख रखे हैं अपन ने भी अपनी गाइड के अंदर, पेज नंबर 351 है, सर्वव्यापी महामारी, और वहां भी हिंदी में लिखा हुआ है सर्वव्यापी महामारी, पूरे विश्व में एक साथ एक ही समय में होने वाला रोग, जैसे कोरोना, बर्ड फ्लू। ठीक है, ये देखो महामारी किसी देश में असामान्य रूप से आकार में या कई देशों महाद्वीपों में फैल जाती है। तो ये भी अपनी न्यू उड़ान की गाइड का क्वेश्चन था, इसमें हमने साथ में पेज नंबर लगा रखा है, 351 पेज नंबर पे दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लिनिकल कंडीशन इज सीन इन मोर कैस्टेटेड मेल कैटल, निम्नलिखित में से कौन सी नैदानिक स्थिति बदिया नर मवेशियों में अधिक देखी जाती है? ये क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड था कि अगर कैस्टेटेड मेल है, ठीक है, अगर कैस्टेटेड मेल है तो उसमें निम्नलिखित में से कौन सी कंडीशन कॉज होगी? ठीक है, स्क्रोटल हर्निया होगा नहीं, ठीक है, हॉर्न कैंसर होगा नहीं, अनकैस्टेटेड मेल में ज़्यादा होता है ये, ठीक है, ट्रोमेटिक पेरिकार्डाइटिस वैसे नहीं होगी क्योंकि टीपी तो फॉरेन बॉडी की वजह से होती है। ठीक है, तो सही आंसर क्या जाएगा? यूरियोलिथियासिस। ये क्लास में बताया हुआ क्वेश्चन है वैसे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हीट स्ट्रोक इन एनिमल लीड्स टू, जानवरों में हीट स्ट्रोक से होता है अति तापता या हाइपरथर्मिया। ठीक है, आप तो इंग्लिश टर्मिनोलॉजी याद रखा करो, आगे भी एग्जाम में इंग्लिश टर्मिनोलॉजी याद रखनी है। जो भी भाई मेरे को देख रहा है सुन रहा है, इंग्लिश टर्मिनोलॉजी याद रखनी है विद्यार्थियों, हिंदी समझ में नहीं आएगी। ठीक है, और मैं क्लास में बार बार
बोलता था कि इंग्लिश टर्मिनोलॉजी याद रखो, वो इजी रहती है। अब देखिए इसका प्रूफ करवा देते हैं। ये देखिए पेज नंबर अपना दिया हुआ है 347, पहला ही पहला टर्मिनोलॉजी शब्दावली, उसके अंदर देखिए ये रहा तीसरा पॉइंट, सॉरी चौथा पॉइंट, हाइपरथर्मिया, शरीर का तापमान सामान्य से अधिक होना, जैसे हीट स्ट्रोक। ये देखो इसी को हीट स्ट्रोक बोलते हैं। तो ये भी अपनी न्यू उड़ान की गाइड में से है। सभी को गुड इवनिंग है भाई, मेरा पूरी टीम ने बहुत ही बढ़िया पढ़ाया, एनाटॉमी तो बढ़िया थी सर, पूरी टीम ने बढ़िया पढ़ाया, धन्यवाद आप लोगों को, आप भी जुड़े रहिए। ठीक है, वैकेंसी भी आ जाएगी, डोंट वरी, वैकेंसी के इंतजार में पिछली बार भी लोग ये कह रहे थे आएगी कि नहीं आएगी, विज्ञप्ति आएगी तब पढ़ेंगे, फिर वो 2-2.5 महीने का टाइम मिला और घबरा गए। अगर घोषणा हुई है तो आएगी जरूर, और गवर्नमेंट यही चाह रही है कि जल्दी से जल्दी ये हो तो, ताकि मेरी गवर्नमेंट रिपीट हो। तो एक बार मैं कमेंट सेक्शन में आपके कमेंट नहीं पढ़ पाऊंगा, पेपर को हल करते हैं। ठीक है, अब देखिए ईटिंग ऑफ इट्स ओन एंड अदर एनिमल फिशेज इज कॉल्ड, अपने या अन्य जानवरों के मल के खाने को क्या कहते हैं, कॉर्पोफेजिया। अब इसका भी प्रूफ करा देते हैं। देखो पेज नंबर 93 पे मेडिसिन की बुक में कहां लिखा हुआ है कॉर्पोफेजिया, देखिए एलोट्रोपोफेजिया इन्फेंट, ये रहा, ये मैंने कर दिया है टिक, कॉर्पोफेजिया हिंदी में भी लिख रखा है, जानवर द्वारा अपने गोबर मल को खाना क्या कहलाता है, कॉर्पोफेजिया। और यह सामान्यतः किसमें अंदर देखने को मिलता है, खरगोश के अंदर, यानी खरगोश अपने मल को खा लेता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस जानवर में मूत्र का अम्लीय पीएच सामान्य रूप से पाया जाता है, यानी एसिडिक पीएच, एसिडिक पीएच किस जानवर के अंदर पाई जाती है। ठीक है, ये पूछा है, अब इसका भी प्रूफ करवा देते हैं आपको, जो हमारी बुक से नहीं आया हम साफ क्लियर कट बताएंगे कि ये बुक से नहीं आया, आउट ऑफ सिलेबस था, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पेपर हार्ड आया था आपको भी पता है, पेज नंबर 185 पर है, देखिए ये रहा, रूमिनान्थी जंतुओं में मूत्र का पीएच 7.5 से 8, उसने किसका पूछा था, डॉग कैट का है, यानी कैनाइन का पूछा था उसने, कार्निवोरस एनिमल का पूछा था। तो ये रहा देखो मूत्र का पीएच क्या लिख रखा है, साफ साफ कोष्ठक में लिख रखा है अम्लीय, और वैसे भी पता है 5 से 6.8, जो पीएच मीटर स्केल होता है 0 से 14 तक होता है, तो 7 से नीचे है वो एसिडिक और 7 से ऊपर है वो एल्कलाइन। अब 6.8 है तो ये कंप्लीट एसिडिक नहीं है, लेकिन 5 है तो एसिडिक है, यानी स्लाइट एसिडिक है, तो 5 से 6.8। ये भी हमारी किताब के न्यू उड़ान गाइड पेज नंबर 185 से आया था। नेक्स्ट देखिए, मवेशियों और भैंसों के, भैंसों में पैर और मुंह की बीमारी एफएमडी के लिए प्राथमिक टीकाकरण के बाद पुनः टीकाकरण कराया जाता है हर 6 मंथ में, इसका प्रूफ देखिए। ये देखिए गाय भैंस एफएमडी टीकाकरण का समय क्या लिख रखा है, मार्च से अप्रैल, यानी एक बार तो मार्च से अप्रैल के बीच में करते हैं, एक बार सितंबर से अक्टूबर के बीच में करते हैं, तो यानी साल में कितनी बार किया, 2 बार, तो एवरी 6 मंथ करते हैं, ये भी लिखा रखा है। पेपर की जो लैंग्वेज थी वो बच्चों थोड़ी हार्ड थी, जिसने समझ के किया था उसका बेड़ा पार हो गया होगा। नेक्स्ट देखिए, ये तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, रेबीज वायरस आमतौर पर किसके माध्यम से संचरित होता है, संक्रामक लार से ही होता है, ये सभी को पता है, इसकी कोई प्रूफ की जरूरत नहीं है, उसकी इसमें लिखा हुआ आराम से, ठीक है कि वो लार की वजह से फैलता है। नेक्स्ट देखिए, हिमोरेजिक सेप्टिसीमिया इज कॉज्ड बाय, यानी बैक्टीरियल है या वायरल है या फंगल है या पैरास्टिक डिजीज है, यह भी बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। ये देखिए हिमोरेजिक सेप्टिसीमिया ये किस में लिखा रखा है, 352 पेज नंबर पे, बैक्टीरियल डिजीज है, ये सभी को पता था, ये भी कोई खास क्वेश्चन नहीं था। अब देखिए, अंडोलेंट एंड मेडिटेरियन फीवर अकर्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज, यानी ये अन्य नाम पूछे इस डिजीज के किसके हैं, तो सभी को पता है ब्रुसेलोसिस को, मैंने क्लास नोट्स में भी लिखवाया था ये सारी चीजें, और यहाँ भी आपको प्रूफ करा देते हैं, ब्रुसेलोसिस के अन्य नाम देख लो, जीवाणु जनित रोग यानी बैक्टीरिया के द्वारा होने वाले रोग, ठीक है, जिसके अंदर देख लो आप माल्टा है, माल्टा फीवर, कंटाजियस, एबोटर, बैंक्स डिजीज, ये रहा मेडिटेरियन या माल्टा फीवर, किसका दूसरा नाम है भैया, ब्रुसेलोसिस का, ये 352 नंबर पेज पे दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द प्रोजेनी ऑफ टू डू
नॉट प्रोड्यूस फर्टाइल प्रोजनी व्हेन दे आर फर्दर मेटेड टुगेदर। दो की संतति जब उपजाऊ संतान उत्पन्न नहीं करती है जब वे आगे सहवास या सगम करते हैं। अब देखो कितनी डिफिकल्ट लैंग्वेज है। अब ये देखो ये यहाँ दिया हुआ स्पीसीज हाइब्रिडाइजेशन, इस प्रकार का प्रजनन दो अलग अलग जातियों के मध्य होता है तथा इससे उत्पन्न संतान को हिटेरोसिस कहते हैं। तो ये दिया हुआ स्पीसीज की डेफिनेशन। ये बिल्कुल वैसे तो सिंपल क्वेश्चन है, कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है। ये भी इसमें से आया था, और इनके एक क्रॉस है, लायन टाइगर के क्रॉस को क्या कहते हैं, ठीक है, और जैक्स और मेयर के क्रॉस को क्या कहते हैं। अब देखिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कैटल ब्रीड इज नॉट ए मिल्च ब्रीड, यानी कौन सी दुधारू नस्ल नहीं है। ये भी अपनी गाइड से था, ठीक है। अब देखिए उसमें कांकरेज आंसर गया है, तो कांकरेज देखिए कहाँ है, डुअल पर्पज ब्रीड है, ये रहा कांकरेज इसका एग्जाम्पल है, डुअल पर्पज ब्रीड। बाकी थारपारकर, रेड सिंधी, साहिवाल, गिर, ये सारी क्या है, राठी गाय, ये सारी क्या है, मिल्च ब्रीड है। तो ये भी आपको प्रूफ करा दिया। नेक्स्ट देखिए, इंडिया हैज मोर देन कितने परसेंट जनसंख्या, भारत में विश्व की से अधिक भैंस की आबादी, यानी कितने परसेंट लोग। देखो हिंदी बहुत हार्ड है, लेकिन इंग्लिश देखो, इंडिया हैज मोर देन कितने परसेंट, 70 या 50% द वर्ल्ड बफलो पॉपुलेशन, यानी इंडिया कितनी पॉपुलेशन रखता है बफलोज की कंपेयर देन वर्ल्ड। तो ये देखिए ये साफ साफ लिखा हुआ है, विश्व की 95% भैंसों का उत्पादन एशिया महाद्वीप में होता था, भारत में 54% भैंसें पाई जाती है। 44 वहाँ ऑप्शन में नहीं था, तो 50 आंसर जाएगा। देखिए 50%, क्योंकि और तो सारे जस्ट ऊपर है, 54 से ऊपर है, 65, 70, 75, तो 50%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए लिस्ट और रिकॉर्डेड ऑफ एंसेस्टर इन द पास्ट फ्यू जनरेशन ऑफ द इंडिविजुअल इज टर्म्ड एज पेडिग्री। पेडिग्री की डेफिनेशन थी, ये तो सिंपल सी, तो देखिए ये पेडिग्री सिलेक्शन, ये पेडिग्री की डेफिनेशन इसमें बता रखी है, चयन की वह प्रक्रिया जो पशुओं की वंशावली पर आधारित है। इस प्रकार में चयन किए जाने वाले पशुओं को कम से कम 5 पीढ़ियों तक अध्ययन किया जाता है, ठीक है। यही पूछा था, व्यक्ति की पिछली कुछ पीढ़ियों में पूर्वजों की सूची या रिकॉर्ड को रखना क्या कहलाता है, पेडिग्री कहलाता है। उसमें बता रखा है ना, 5 जनरेशन तक उसकी स्टडी करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट, What term is used for the mating occur among the unrelated individual of the same breed? ठीक है, एक ही नस्ल के असंबंधित पशुओं के बीच संगम के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो ये भी डेफिनेशन है, आउटक्रॉसिंग। तो ये देखिए आउटक्रॉसिंग, यह एक नस्ल के पशुओं में होने वाला प्रजनन है जो आपस में रिश्तेदार नहीं होते, यह बही प्रजनन का सबसे सरल तरीका है। तो ये भी यहां से पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वॉट इज द फुल फॉर्म ऑफ NDDB? NDDB की फुल फॉर्म क्या, सही आंसर क्या था, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। ये भी एक्सटेंशन के अंदर है, सर मैं 0.73 से रह गया, कोई बात नहीं बेटा देशराज, ठीक है कोई बात नहीं, वापस आप लग जाइए तैयारी पे यार, एक साल बाद ही वापस वैकेंसी आ गई और क्या चाहिए, तो फ्लो टूटेगा भी नहीं। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, ठीक है, रीट वाले कितनी थी बार रहते हैं, लेकिन वो तैयारी करना थोड़ी छोड़ते हैं। ये देखिए इसका भी प्रूफ एक्सटेंशन में पेज नंबर 246 में क्लियर कर दिया हुआ है, NDDB नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, NDDB नेशनल एंड डेयरी डी डेवलपमेंट डी और बोर्ड डी, ठीक है, कहाँ है, आनंद गुजरात के अंदर है। नेक्स्ट देखिए, वेयर इज द CSWRI कहाँ लोकेटेड है, इसका सही आंसर अविका नगर टोंक राजस्थान के अंदर। तो आप देख लीजिए CSWRI, ये रहा सेंट्रल सीप एंड वूल रिसर्च इंस्टीट्यूट, कहाँ स्थित है भैया, अविका नगर, और अविका नगर व मालपुरा, ये दोनों ही कौन से डिस्ट्रिक्ट में, टोंक में, और ये कहाँ पड़ता है, राजस्थान के अंदर, सेंट्रल लेवल का इंस्टीट्यूट है। तो ये भी अपने पेज नंबर 246 पे क्लियर कट दिया हुआ है, ठीक है। अब नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। अब देखिए नेक्स्ट, व्हाट अमंग द फॉलोइंग इज यूजुअली प्रेजेंट इन द प्रोक्योरेट सेल, यानी प्रोक्योरेट सेल में निम्नलिखित में से कौन सा ऑर्गन प्रेजेंट होता है, ठीक है, यही है प्रोक्योरेटिक कोशिका में सामान्यतः निम्नलिखित में से क्या पाया जाता है, यानी राइबोसोम पाया जाता है। ये लिखा रखा आपको राइबोसोम, कार्य स्थान, ये रहा प्रोक्योरेटिक सेल, कोशिका द्वारा में 70S उपस्थित होता है, कौन सा, 70S, और इसमें दोनों 80S और 70S, ठीक है, मुख्यतः राइबोसोम ही पाया जाता है, ठीक है, न्यूक्लियस साइटोस्केलेटल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये एब्सेंट होती है। अब देखिए, इन एडल्ट फीमेल ऑफ कैटल बफलो सीप एंड गोट ओवरीज आर जनरली, यानी आपको सीप की, गोट की, बफलो की और कैटल की ओवरी की साइज पूछी है, शेप पूछी है कि किस तरह की होती है,
तो ये देखिए, ये भी आपका पेज नंबर 303 गायनी के अंदर है, तो आप देख लीजिए, भेड़ और बकरी बादाम जैसी, ठीक है, और गाय की है बादाम जैसी, अंडाकार भी होती है ओवल, लेकिन अंडाकार देखो कहीं भी ऑप्शन के अंदर नहीं था, ओवल शेप अंडाकार कहीं भी ऑप्शन में नहीं था, तो बादाम के आकार की, तो सही आंसर क्या गया था, सी। गायनी के लगभग सारे क्वेश्चन गाइड में आए हैं, 12 के 12 क्वेश्चन गाइड में से हैं। अब देखिए नेक्स्ट, डिप्लर्ड भेड़ की द्विगुणित गुणसूत्रों की संख्या भेड़ में कितनी होती है, 54। ये देखिए, ये रहा भेड़, भेड़ में कितनी लिखा रखी है, 54। ये सीधा सीधा उठ के आया था क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस मादा जानवर में मध चक्र का सबसे छोटा मध चरण देखा जा सकता है, गाय का, यानी स्ट्रेस पीरियड जो होता है, देखिए 12 से 14 घंटे गाय का ही होता है, बाकी सब का 5 से 7 दिन, 2 से 3 दिन, 30 से 36 घंटे, 36 से 48 घंटे, ये तो दिन दिन वाले हैं सारे, तो वैसे ही नहीं आएंगे, ठीक है, ऑप्शन के हिसाब से ये भी दिन है, केवल भैंस है 30 से 36, लेकिन सबसे कम किसका है, 12 से 24 घंटे किसका है, कैटल का है, तो सही आंसर क्या जाएगा, कैटल जाएगा, ठीक है, ये भी आपकी गाइड में दे रखा है, नीचे पेज नंबर लगा रखे, कोई दिक्कत नहीं है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ नॉर्मल गेस्टेशन पीरियड इन बफलो, ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, 310 दिन, ये है ना, उसमें LPM में भी लिखा रखा है, और अपने इसमें क्या बोलते हैं गायनेकोलॉजी में भी लिखा रखा है, ठीक है, 310 दिन, ये रहा, साफ साफ लिख रखा है, 10वां 10 दिन, साफ साफ। नेक्स्ट देखिए, इज द पीरियड वेन द एंडोक्राइन एंड जीनोटाइप गैमिटोजेनिक फंक्शन ऑफ द गोनाड्स हैव फर्स्ट डेवलप्ड टू द पॉइंट वेयर रिप्रोडक्शन इज पॉसिबल, ठीक है, अब हिंदी देखिए, वह अवधि जब जनन ग्रंथियों के अंतःस्राव और युग्म के कार्य सबसे पहले उस बिंदु तक विकसित हुए हैं, उसको क्या कहते हैं, बांझपन, तो बांझपन में तो प्रोडक्टिविटी करेगा ही नहीं, मोनोपॉज अवस्था में ओवुलेशन होगा ही नहीं, फीमेल के अंदर अगर मोनोपॉज हो जाए, सुपर ओवुलेशन में क्या होगा, ओवुलेशन ज्यादा होगा, तो उस अवस्था को क्या बोलते हैं, वयस्कता, यानी अब देखो हिंदी देखो व्यस्तता क्या लिख रखी है, यौवनारंभ, लेकिन यहां से आप कर सकते हो प्यूबर्टी, इसका भी प्रूफ बता देते हैं आपको, ये रहा देखिए, ये रहा प्यूबर्टी, यह लैंगिक परिपक्वता की वह उम्र है जब प्राणी के जनन अंग क्रियाशील हो जाते हैं, उनमें जनन कोशिकाओं निर्माण शुरू हो जाते हैं। हल्की सी लैंग्वेज डिफिकल्ट दी थी, समझ के करो तो आप मिल सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट, क्योंकि ऐसे के ऐसे लैंग्वेज तो वो उठाएगा नहीं, समझ रहे हो आप, थोड़ा तो डिफिकल्ट देगा ही। अब देखिए, व्हाट अमंग द गर्भवती मवेशियों या मादा भैंस में भ्रूण की सामान्य प्रस्तुति निम्नलिखित में से क्या है, यानी नॉर्मल प्रेजेंटेशन पूछा है कैटल और बफलो का, ठीक है, सही आंसर क्या था, लॉन्गिट्यूडनल प्रेजेंटेशन, ये लिखा रखा, देखिए नॉर्मल बात सामान्य जन्म प्रेजेंटेशन, एंटीरियर लॉन्गिट्यूडनल प्रेजेंटेशन नॉर्मल, ठीक है, ये लिखा रखा नॉर्मल बर्थ, नॉर्मल प्रेजेंटेशन लॉन्गिट्यूडनल होता है, पोजीशन डोर्सोसैक्रल होती है, और पोस्चर हेड रेस्टिंग ऑन दी मेटाकार्पल नी एक्सीडेंट फॉर दी लेग फिटस की। अब देखिए नेक्स्ट, हार्मोन रेस्पॉन्सिबल फॉर मिल्क लेट डाउन, मिल्क लेट डाउन ये तो आपको फिजियोलॉजी में भी पता है और गायनी में भी लिखा रखा है, ठीक है, ये देखिए मिल्क लेट डाउन हार्मोन कौन सा है, ऑक्सीटोसिन, तो ये भी आपका न्यू डॉन वेटनरी गाइड से है, 91, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, विच ए आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्निक इज यूज्ड इन बफलो, अब देखो ऑप्शन बड़े खतरनाक दिए थे इस बार, कंफ्यूज करने वाले, तो अब इसमें दो ऑप्शन देखो, पर रेक्टल टेक्निक, केवल रेक्टम से ही आप यही करते हो, और एक दे रखा है रेक्टो वेजाइनल, यानी वेजाइना का भी यूज करते हो और रेक्टम का भी, रेक्टम से अपन सर्विक्स को उठाते हैं और वेजाइना से अपन यही गन डालते हैं, तो ये देखिए ये भी प्रूफ है, ठीक है, गाय एवं भैंस में रेक्टो वेजाइनल, घोड़ी में कैसे कहते हैं ओनली पर वेजाइनल, ठीक है, और भेड़ बकरी के अंदर वेजाइनल स्पेकुलम से, ये भी गायनी में लिखवाया है, ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, 323। नेक्स्ट देखिए, ये भी बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, फ्रोजन सीमन का टेम्परेचर कितना होना चाहिए, -196, ये भी अपनी गाइड के अंदर दिया हुआ है, -196, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, पेज नंबर भी दिया हुआ है साथ में, गायनी का पोर्शन है ये, गायनी के पूरे क्वेश्चन किताब से एज इट इज आए हैं। अब देखिए, कृत्रिम गर्भाधान करते समय वीर्य के स्ट्रोक को तापमान पर 0.5 से 1 मिनट तक गलाना चाहिए, थाविंग कितने टाइम के लिए करते हैं, 35 से 37 मिनट, एग्जैक्ट तो 37 मिनट ही होता है, ठीक है, वैसे 35 से 40 इसकी रेंज है, देखिए सॉरी 34 से 38 इसकी रेंज है, और कितनी लिए करते हैं, आधी मिनट के लिए, ये रहा,
34 से अर्जित है, परंतु आदर्श क्या है, ये देखो लिखा रखा है साफ साफ 37 डिग्री और आंसर है 35 से 37, आगे वाला जाएगा नहीं आंसर। नेक्स्ट देखिए, व्हाट आर द 6 प्रोक्सीमेट प्रिंसिपल एज पर द वेंडे सिस्टम, यानी वेंडे सिस्टम में कौन कौन से मुख्यतः 6 पदार्थ बनते हैं, पानी, ईथर, क्रूड फाइबर, क्रूड प्रोटीन, कुल राख और नाइट्रोजन मुक्त निष्कर्ष। ठीक है, तो ये देखिए सारे लिखा रखे हैं वेंडे के सिस्टम के, क्रूड फाइबर बनता है, एक्सट्रैक्ट बनता है, एस बनता है, वाटर बनती है, ईथर एक्सट्रैक्ट बनता है, क्रूड प्रोटीन बनता है, ये 6 वो पूछे थे लाइन वाइज लिखा रखे हैं कि ये कौन कौन से बनते हैं, तो लाइन वाइज लिखा रखे ये चीज़ बनती हैं। अब नेक्स्ट देखिए, अमीनो एसिड जिसमें जिसे सामान्य वृद्धि के लिए आवश्यक दर पर शरीर में संश्लेषित नहीं किया जाता उसे कहा जाता है, असेंशियल अमीनो एसिड, इंग्लिश देखो कितनी शानदार, द अमीनो एसिड विच वन कैन नॉट सिंथेटाइज इन द एनिमल बॉडी एट द रेट रिक्वायर्ड फॉर नॉर्मल ग्रोथ इज टर्म्ड एज, मतलब ऐसे अमीनो एसिड जो नॉर्मल बॉडी को रिक्वायर्ड होते हैं लेकिन बॉडी द्वारा सिंथेसिस नहीं किए जाते। देखिए अमीनो अम्ल, तो आवश्यक अमीनो अम्ल को ही बोलते हैं असेंशियल अमीनो एसिड, ये अम्ल शरीर में नहीं बनते, वही पूछा था कि उनको क्या बोलते हैं, इसलिए इन्हें बाहर से भोजन के द्वारा लेना पड़ता है। तो ये भी आपके 447 पेज न्यूट्रिशन के अंदर दिया हुआ है। नेक्स्ट देखिए, स्तनधारियों की तुलना में पक्षियों को कम पानी की आवश्यकता होती है क्योंकि प्रोटीन उपापचय का अंतिम उत्पाद यूरिक अम्ल है। ठीक है, इसमें यूरिक एसिड आंसर गया है, तो ये अपने DD सर ने फिजियोलॉजी की जो एक्सरेटरी सिस्टम की क्लास है, एक्सरेटरी सिस्टम की जो लाइव क्लास है उसमें बता रखा है, ये किताब में प्रिंटेड नहीं है, तो बच्चों ने नोट्स में वो चीज़ जरूर लिखी होगी, अब नोट्स इधर उधर हैं थोड़े, लेकिन आप देखना उन्होंने वो बता रखा है अपशिष्ट पदार्थ कौन कौन से निकलते हैं। ठीक है, सारा बता रखा है, किसमें यूरिक एसिड निकलता है, किसमें नाइट्रोजन निकलती है, किसमें अमोनिया निकलता है, ये सारी बता रखी है। लाइव क्लास में आप जरूर देख लेना, उनके जो पुराने वीडियो उनमें एक्सरेटरी सिस्टम में उन्होंने बता रखा है। ठीक है, अब देखिए, हे शुड नॉट हैव मोर देन कितने परसेंट इसके अंदर मॉइस्चर, ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 12 से 14% आंसर गया है, ये भी सिंपल है। तो ये देखो, ये रहा नमी की मात्रा कितना, 12 से 14%, ये भी 461 पर है। अब देखिए नेक्स्ट, इन बोन कैल्शियम एंड फॉस्फोरस अकर्स इन दी रेशो, यानी कैल्शियम और फॉस्फोरस का हड्डियों के अंदर नॉर्मल रेशो क्या होता है। ठीक है, ये तो मैंने एनाटॉमी में भी आपको लिखवाया था, सिंपल सा क्वेश्चन है, 2:1, और यहाँ भी मिल जाएगा आपको सब इम्पोर्टेंट पॉइंट। देखिए, शरीर में कैल्शियम और फॉस्फोरस का अनुपात कितना है, 2:1, कितना है, 2:1। अगर हड्डी में ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक पूछे तो 1:2, ठीक है, 2:1, ये भी आपकी गाइड से है, 195 नंबर पेज पे आप देख सकते हो। नेक्स्ट देखिए, कौन से ऐसे विटामिन हैं, रक्त स्त्राव रोग या विलंबित रक्त जमाव किस विटामिन की कमी के कारण होता है, यानी कौन सा ऐसा विटामिन है जिसकी डेफिशिएंसी से ब्लीडिंग हो सकती है, यानी रक्त का थक्का नहीं बनेगा। तो ये तो सभी को पता है, सिंपल क्वेश्चन था विटामिन के, फिर भी बता रखा है। देखो, विटामिन के अन्य नाम एंटी हीमोरेजिक फैक्टर और रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है, प्रोथ्रोम्बिन प्लाज्मा के निर्माण में अति आवश्यक होता है। ठीक है, तो ये भी यहाँ से पूछा गया था, सिंपल क्वेश्चन है ये। अब देखिए नेक्स्ट, व्हाट इज द जेनरिक नेम ऑफ विटामिन बी, यानी इसका क्या नाम है, विटामिन बी का अन्य नाम क्या है, जेनरिक नेम, साइनोकोबालमिन, ये भी आपको न्यूट्रिशन में देखने को मिल जाएगा, ये रहा पेज नंबर 453 है, साइनोकोबालमिन, साइनोकोबालमिन इंग्लिश वर्ड आपको ज़्यादा याद रखने, आगे भी ये चीज़ ध्यान रखना, कुछ बच्चे इंग्लिश का विरोध करते थे कि सर इंग्लिश नहीं हिंदी, हिंदी मत याद रखो, हिंदी की लैंग्वेज ही नहीं समझ में आएगी, टर्मिनोलॉजी से कुछ तो टच में रहोगे वहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, गैर रोगजनक जीवों का जैव संवर्धन जिसे मौखिक रूप से प्रकाशित किया प्रोबायोटिक कहलाती है। अब देखो हिंदी क्या है, बहुत बेकार है। अब देखो, आर लाइव कल्चर ऑफ नॉन पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म विच आर एडमिनिस्ट्रेट ओरली, ठीक है, प्रोबायोटिक, तो ये भी आपका प्रोबायोटिक, ये रहा अरोगकारक जीवों का जीवित माध्यम जो रूमन के सूक्ष्म जीवों का संतुलन बनाए रखता है, जिन्हें प्रोबायोटिक कहते हैं, अनुरूप के लैक्टोबैसिलस तथा स्ट्रेप्टोकोकस कुछ यीस्ट होते हैं, प्रोबायोटिक के वर्क दे रखे, तो ये भी यहाँ से क्वेश्चन उठ के आया था। इस बार सिंपल क्वेश्चन कुछ नहीं पूछा भैया, लैंग्वेज को थोड़ा सा घुमाया, हिंदी तो इतनी बेकार दी है कि बच्चे कन्फ्यूज हो गए, ऐसे सीधा सीधा नहीं पूछा है आपने, जो एक शब्द याद कर लिया, जिसने समझ रखा है कि प्रोबायोटिक क्या होती है, इसलिए रटना नहीं है, अब समझना है कि उस क्वेश्चन को कैसे पूछते हैं, ऑप्शन काटना सीखना है कि हाँ ये तो हो सकता है ये नहीं हो सकता। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन कुछ नहीं पूछा, ये अपने ही सब्जेक्ट का आ गया। ठीक है, हड्डियों के वर्गीकरण के अनुसार पटेला, अब देखो जानू फलक,
हिंदी देखो आप, जानू फलक, ठीक है, पटेला कैटेगराइज अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग बोन, ठीक है, निम्नलिखित में से किस वर्ग में करें, चपटी बोन यानी फ्लैट बोन इसमें नहीं आती, न्यूमेटिक बोन बर्ड्स में होती है नहीं आती, विसरल भी नहीं आती, सिस मॉडर्न बोन। ये तो सिंपल क्वेश्चन था, ये अपने नोट्स और बुक्स दोनों में दिया हुआ है, देख लीजिए यहाँ पर कहाँ है सिस मॉडर्न बोन, ये रहा, ठीक है, और एग्जाम्पल क्या है, पटेला, ठीक है, पटेला बोन जो स्टाइफल जॉइंट के अंदर पाई जाती है, पटेला बोन। तो ये भी एनाटॉमी के पेज नंबर 114 पर दे रखा है। अब नेक्स्ट देखिए, विच बोन इज नोन एज ब्रेस्ट बोन, ब्रेस्ट बोन किसको कहते हैं, स्टर्नम को, ये भी सिंपल क्वेश्चन था। ये रहा देखो, ये भी गाइड में, स्टर्नम, स्टर्नबरी, ब्रेस्ट बोन, यही क्वेश्चन पूछा था, ये भी इसके अंदर है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग जॉइंट इज नॉट ए जॉइंट ऑफ फोरलिम, यानी फोरलिम का कौन सा जॉइंट नहीं है, शोल्डर जॉइंट फोरलिम में, एल्बो जॉइंट है, नन ऑफ दीज, ये जाएगा ना, स्टाइफल जॉइंट आपको पता है किस में होता है, हैंड लिम में होता है, ये तो मैंने क्लास में खूब बताया था, जॉइंट्स तो अच्छे से समझाए थे, ठीक है, देख लो ये रे, ठीक है, पश्चपाद की अस्थिया व संधि, क्योंकि पश्चपाद में कौन सा जॉइंट है, स्टाइफल जॉइंट है, और उसने पूछा था अग्रपाद में कौन सा नहीं है, तो स्टाइफल ही नहीं है, क्योंकि स्टाइफल किस में, पश्चपाद के अंदर है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ टीथ इज एबसेंट इन कैटल एंड बफलो, निम्नलिखित में से किस प्रकार के दांत मवेशी और भैंसों में अनुपस्थित होते हैं। अब देखो, कृंतक, हिंदी बहुत बेकार है, इंसाइजर होते हैं भैया, प्रीमोलर होते हैं भैया, मोलर होते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ टीथ इज एबसेंट, एबसेंट कौन से होते हैं, कैनाइन टीथ, कैनाइन टीथ कैटल बफलो के अंदर क्या होते हैं, एबसेंट, ये देख लो आप, इंसाइजर सी, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, अस्थायी दांत, दूध के दांत, रूमिनेंट्स के ऊपरी जबड़े में इंसाइजर दांत अनुपस्थित होते हैं, उनकी जगह डेंटल पाया जाता है घोड़ी में, कैनाइन दांत। अब ये देखिए, रूमिनेंट्स में कैनाइन दांत अनुपस्थित होते हैं, ये साफ साफ मोटे अक्षरों में एलपीएम में लिख रखा है पेज नंबर पे, कि रूमिनेंट्स में कौन से दांत एबसेंट होते हैं, कैनाइन, ठीक है, पुनिया सर ने क्लास में बताया होगा। नेक्स्ट देखिए, ये फिर अपना ही क्वेश्चन आ गया, ये तो सिंपल क्वेश्चन है कि ट्रू स्टोमक किसको कहते हैं, सभी को पता है एबोमेजम, फिर भी गाइड में दिखा देते हैं, ये देखिए, वेटनरी एनाटॉमी अपने वाला ही पोर्शन पेज नंबर 130, और एबोमेजम इसी का अन्य नाम क्या दे रखा है, ट्रू स्टोमक, ये देखिए आराम से देख सकते हैं आप, अगर नहीं दिख रहा हो तो इसको चौड़ा कर देता हूँ मैं, ठीक है, ये देखिए ट्रू स्टोमक, ये यहाँ लिखा हुआ है क्लियर कट। नेक्स्ट देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज यूरिनरी ब्लैडर इज एब्सेंट, ये भी अपना ही क्वेश्चन है, ठीक है, मुर्गियों के अंदर एब्सेंट होता है यूरिनरी ब्लैडर, ये तो मैंने आपको नोट्स में स्पेशल नोट करके लिखाया था, बाकी मैंने गाइड में भी दिया हुआ है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ये देखो नोट करके, फाउल में मूत्राशय अनुपस्थित होता है, ये साफ साफ लिखाया हुआ है वेटनरी एनाटॉमी का, ये 138 पेज पर है, तो ये भी यहाँ से क्वेश्चन उठ के आया था, मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ, ठीक है, ये क्वेश्चन फिर कन्फ्यूज था, अलग अलग कोचिंगों ने अलग अलग आंसर दिए थे, कोई दो बता रहा था, कोई तीन, चार और पाँच में तो होने नहीं है, क्योंकि इसके अंदर एक जो पार्ट होता है वो एबसेंट होता है, लेकिन ये क्वेश्चन क्या कर दिया, डिलीट कर दिया, ठीक है, तो इसके इस क्वेश्चन को अपन गिनेंगे ही नहीं, ठीक है, हालांकि तीन और दो, ठीक है, तीन होते हैं इसके, सही आंसर क्या आएगा, तीन। हाउ मैनी पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व अराइजेस फ्रॉम द ब्रेन इन डॉग एंड कैट्स, अब देखिए ये क्वेश्चन भी आपका आउट ऑफ सिलेबस था, ठीक है, हम नहीं बता रहे, हमारी गाइड से आया, ये क्वेश्चन भी आपका आउट ऑफ सिलेबस था, 12 पेयर, क्योंकि नर्वस सिस्टम है ही नहीं, नर्वस सिस्टम ने फिजियोलॉजी में ना एनाटॉमी में, स्प्लैंकनोलॉजी के इस पोर्शन में नर्वस सिस्टम है ही नहीं, ये भी आउट ऑफ सिलेबस था। अब देखिए, द एक्शन ऑफ ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम इज कंट्रोल्ड बाई, ये सभी को पता है कि ANS को कौन कंट्रोल करता है, हाइपोथैलेमस, DD सर ने खूब क्लासों में आपको बताया हुआ है, पूनिया सर ने भी बताया हुआ है, हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है, थायराइड, रीड और एड्रेनल ग्लैंड कंट्रोल करती नहीं, ठीक है, सीधा सीधा सब आ जाएगा, हाइपोथैलेमस ब्रेन का ही पार्ट है, ठीक है, तो ये इसमें कोई प्रूफ की जरूरत नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है। प्लेटलेट्स आर आल्सो नोन एज थ्रोम्बोसाइट, ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है, फिजियोलॉजी में सर ने बहुत बताया है और उड़ान की गाइड में भी लिखा हुआ है, ठीक है, ये रहा प्लेटलेट्स, थ्रोम्बोपोइसिस, तो इसकी प्रेसोस के निर्माण को बोलते हैं, लेकिन जैसे WBC RBC की सेल को क्या बोलते हैं, इरिथ्रोसाइट, WBC की सेल को क्या बोलते हैं, ल्यूकोसाइट, वैसे ही प्लेटलेट्स की सेल्स को क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट, ठीक है, तो ये भी यहाँ से था, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। अब देखिए, द यूजुअल येलो कलर ऑफ यूरिन इज ड्राइव्ड फ्रॉम, अब देखिए मूत्र का सामान्य पीला रंग किसकी वजह से होता है, मुख्यतः तो होता है यूरोक्रोम की वजह से, किसकी वजह से, यूरोक्रोम की वजह से, लेकिन इसने स्पेसिफिक नहीं दिया कि किस जानवर का पूछा है, ठीक है,
न कैटल बफलो दिया, न सीप गोड़ दी, न डॉग दिया या न कुछ और ऐसा दिया। ठीक है, अब देखिए बिली रूबिन इसमें आंसर गया था क्योंकि यूरोक्रोम ऑप्शन में ही नहीं था। ये भी लिख रखा है देखो, कहीं ना कहीं मूत्र का पीला रंग यूरोक्रोम या बिली रूबिन के कारण होता है। वैसे मैनली पितरस जो होता है उसका पीला रंग बिली रूबिन के कारण होता है। बिली रूबिन, बिली रूबिडिन दो अलग अलग वर्णक है, पिगमेंट्स है, तो ये भी दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये अपना फिर क्वेश्चन आ गया, स्तनधारियों में ध्वनात्मक ध्वनि उत्पादक अंग कौन सा है? लैरिंग से तो पता है, अपने भी कंठ यही होता है। ठीक है, तो ये देखिए ध्वनि यंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम एनाटॉमी में दे रखे ध्वनि यंत्र। ठीक है, ऑर्गन ऑफ वॉइस ये दे रखा, बोलने वाला। मुर्गियों में दो लैरिंग्स, ये आप बाद में देखेंगे। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ECG? ये भी देखिए क्वेश्चन बच्चों आउट ऑफ सिलेबस था, आउट ऑफ सिलेबस, ये क्वेश्चन भी आउट ऑफ सिलेबस था। ECG की फुल फॉर्म पूछी थी, देखो इलेक्ट्रिकल सेलुलर ग्रोथ, ये होगी नहीं। अब इसमें भी देखो ऑप्शन बिल्कुल पास पास दिए थे, ये भी नहीं होगी इलेक्ट्रॉनिक सेलुलर ग्रोथ, ये भी नहीं होगी। इन दोनों में कन्फ्यूजन है। अगर इसकी फुल फॉर्म करें तो भी ECG बनती है, और इसकी फुल फॉर्म करें तो इस ये भी बनती है। तो सही आंसर क्या जाएगा? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। लेकिन ध्यान रखना, अगर ECG है, ECG का मतलब होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, इसलिए आंसर तो सही दिया है इन्होंने, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम को ही कहेंगे। ठीक है, अब ईकेजी की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ ग्राफ, या कई जगह ग्राफी भी लिखा हुआ है। ठीक है, ये ईकेजी होता है। तो सही आंसर तो क्या जाएगा? ECG, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। लेकिन ये क्वेश्चन क्या था? आउट ऑफ सिलेबस था, ये भी अपनी गाइड से नहीं था। अब देखिए नेक्स्ट, पावर हाउस ऑफ द सेल, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, ये भी आपको प्रूफ करा देते हैं। ये रहा अन्य नाम, देखो कोशिका का शक्तिग्रह, पावर हाउस ऑफ सेल। ठीक है, ये भी बिल्कुल सिंपल है, पेज नंबर 22 पर ही है, जेनेटिक्स के अंदर दिया हुआ है। अब देखिए, इन कंटेक्स्ट ऑफ बायोकेमिस्ट्री ATP स्टैंड फ्रॉम, ATP बहुत बार न्यूट्रिशन में धाकड़ सर ने बताया होगा, DD सर ने बताया होगा, ATP की फुल फॉर्म पूछी थी। ठीक है, तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये भी आपको बता देते हैं, कहीं ना कहीं लिखा होगा, दो तीन जगह लिखा हुआ है ATP, तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये रहा एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, ADP एडिनोसिन डाइफॉस्फेट होता है। नेक्स्ट देखिए, डायबिटीज मेलिटस इज क्लिनिकल कंडीशन करेक्टराइज बाय, यानी डायबिटीज मेलिटस में कौन कौन से लक्षण आते हैं? मधुमेह द्वारा विशेषीकृत एक नैदानिक स्थिति है, अपर्याप्त या अक्षमक्ष इंसुलिन के कारण रक्त शर्करा के स्तर में वृद्धि, यानी इंसुलिन की कमी की वजह से। तो ये भी कहीं ना कहीं मिलेगा, ये देखो एड्रेनल ग्रंथि के फंक्शन बता रखे, ये रहा इंसुलिन की कमी से डायबिटीज मेलिटस या मधुमेह रोग होता है। तो और ऑप्शन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है अपने को, और ऑप्शन की जरूरत ही नहीं है। डिक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल ड्यू टू इंसुलिन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अब देखिए, मेन डिफरेंस बिटवीन प्लाज्मा एंड सीरम इज द प्रेजेंस और एब्सेंस, ये तो सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, फिब्रिनोजन ये सबको ही पता है क्या, कि सीरम किसको कहते हैं? प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजन को अगर अपन हटा दें तो वो क्या कहलाएगा? सीरम। तो यानी मेन डिफरेंस क्या है? फिब्रिनोजन का और कंटेंट तो वही है। ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वाटर सोल्यूबल, पानी में घुलनशील कौन सा विटामिन है? ये भी अपनी गाइड से है, देखो पानी में घुलनशील बी और सी दो विटामिन होते हैं, पेज नंबर 452 पे दिया हुआ है, तो ये भी बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन विच मेथड ऑफ कैस्ट्रेशन है बॉडी जो कैस्ट्रेशन इज यूज, क्लोज्ड मेथड, भाई बॉडी जो से ओपन थोड़े करते हैं अपन, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था, सर्जरी में भी बताया होगा पूनिया सर ने और LPM में बताया होगा। ठीक है भाई, बॉडी जो से क्लोज मेथड से ही करते हैं अपन, सीधा उनको जो 7 पार्ट होते हैं स्पर्मेटिक कॉर्ड के उनको दबा देते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, ये दोनों जगह लिखा रखा है, ये रहा बॉडी जो कैस्ट्रेटर, इसके द्वारा रक्त रहित बध्याकरण किया जाता है, तो क्लोज मेथड में ही आएगा ये भी। ठीक है, कैस्ट्रेशन ओपन मेथड सर्जरी के द्वारा, और क्लोज मेथड मतलब जननांगों की क्रियाशीलता को निष्कर्ष करना, इलस्ट्रेटर ये सब किस में आते हैं? इसी के द्वारा आते हैं, रबर रिंग के द्वारा करना, यानी जहाँ पे इंसिजन नहीं लगे वो क्लोज मेथड है, और रक्त नहीं आएगा, ब्लडलेस सर्जरी होगी। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था। अब देखिए, कलेक्शन और एक्यूमुलेशन ऑफ द ब्लड, ये क्या कहलाता है? हीमटोमा, ये सबको ही पता है। कंटूजन तो एक वुंड का टाइप है,
और वुंड के अंदर सेकंड डिग्री में भी बनता है कंटूजन, ब्रू से एक हल्का सा पटाव, परफोरेशन निकल जाना, पूरा छेद हो जाना, ये भी हिमेटोमा में दे रखा है। ये रहा, ये देखिए, यह त्वचा के नीचे बड़ी रक्त वाहिका के फटने से तथा रक्त का मांसपेशियों तथा अंत सब कट के बीच में असामान्य गुहा में इकट्ठा हो जाता है, यानी ब्लड बढ़ जाता है एबनॉर्मल कैविटी के अंदर। और अगर एबनॉर्मल कैविटी के अंदर पस भर जाए तो एब्सेस कहलाता है। ठीक है, ये सिंपल सी डेफिनेशन थी, हिमाटोमा सभी को पता है। अब देखो ये किशोर थोड़ा सा सर्जरी का घुमा के आया था, अभिघात मायोसिस को के रूप में जाना जाता है। ठीक है, ट्रोमेटिक तो ठीक है, ट्रोमेटिक का मतलब तो हो गया कोई चोट पहुंचाना, मायोसिस यहाँ से समझना था। मायोसिस का मतलब क्या होता है दोस्तों? प्रजनन। किसका प्रजनन? मक्खी का। किसका प्रजनन? मक्खी का। किसका प्रजनन? मक्खी का प्रजनन होता है। ठीक है, मायोसिस तो अवलजन तो फ्रैक्चर और वुंड का टाइप है, ऊपर से हल्का सा निकल जाता है वो, ये आएगा नहीं। स्नैक बाइट सांप का है, लेकिन मायोसिस शब्द से समझना था अपने को कि मक्खी के प्रजनन को बोलते हैं मायोसिस, तो क्या कहलाएगा? मैगट वुंड। अब देख लो, सिंपल नहीं दिया मैगट वुंड को, ऐसे सीधा सीधा नहीं बोला कि मक्खी के काटने से निम्नलिखित में से कौन सा वुंड होता है, नहीं दिया भैया ऐसा। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ये रहा मैगट वुंड, थोड़ा सा घुमा हुआ था गांव के घरेलू मक्खी के अंडे देने से, पर इतना याद रखना था कि मायोसिस उसके प्रजनन को बोलते। ठीक है, स्नैक बाइट डॉग बाइट पॉइजनस वुंड तो होगा नहीं, पॉइजनस वुंड स्नैक बाइट को बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जुडेशन सिस्ट? एग्जुडेशन सिस्ट कौन सी है? तो हाइड्रोसील, ये तो क्लियर कट लिख रखा है, ये देखिए एग्जुडेशन सिस्ट। ठीक है, ये रहा हाइड्रोसील, साफ साफ लिख रखा है एक्जुडेशन सिस्ट, पहले से उपस्थित गुहा में तरल पदार्थ भरने से सिस्ट का निर्माण हो, जैसे एग्जाम्पल क्या है? हाइड्रोसिल, ये क्लियर कट दे रखा है, ये भी अपनी गाइड से पेज नंबर कॉर्नर में दे रखा है 276 पे। नेक्स्ट देखिए, द यूनिट ऑफ एब्जॉर्बल डोज ऑफ एक्सरे इज कॉल्ड एज, केवीपी में रेड नहीं आएगी, ठीक है रेड आएगी, ये भी आपका आउट ऑफ सिलेबस था। ठीक है, ये अपनी गाइड में नहीं है, न नोट्स के अंदर है। एक्सरे की यूनिट पूछी थी कि क्या है, ये भी आपके, क्योंकि एक्सरे आपके सिलेबस में था ही नहीं, तो ये क्वेश्चन भी आउट ऑफ सिलेबस था, आउट ऑफ सिलेबस। ठीक है, मैंने तीन क्वेश्चनों में पहले भी लिख दिया था, दो क्वेश्चनों में आउट ऑफ सिलेबस। ठीक है, रेड इनिशिएशन डोज बोलते हैं, रेड की फुल फॉर्म में होती है रेड ऑब्जर्प्शन डोज। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर इज करेक्ट फॉर द स्टेज ऑफ हीलिंग ऑफ फ्रैक्चर? अब देखो, ये एक बैच को मैंने क्लास में लिखाया था। ठीक है, ये देखो, ये वाला लिखाया था, नोट्स के अंदर से आया, ये गाइड के अंदर नहीं है। ये देखो, सबसे पहली फेज इन्फ्लामेटरी फेज है। ठीक है, इन्फ्लामेटरी फेज में कह रहा है कि रक्त वाहिकाएं फट जाती है जिससे हिमेटोमा बनता है, यानी सबसे पहले क्या बनेगा? हिमेटोमा बनेगा। ऑर्डर पूछा था कि सबसे पहले क्या बनेगा, पहले हिमेटोमा बनेगा, फिर सॉफ्ट कैलस बनेगा, फिर प्राइमरी कैलस बनेगा, फिर सेकेंडरी। तो देखो, हिमेटोमा इन्फ्लामेटरी स्टेज में बनता है। फिर जो रिपरेटिव फेज है, इसमें देखो, जिससे फ्रैक्चर साइट पर ग्रेनुलेशन उत्तकों का निर्माण हो लगता है और फ्रैक्चर साइट पर कोमल फाइबर, सॉफ्ट फाइबर या कोमल कैलस, सॉफ्ट कैलस बनता है, यानी सबसे पहले बनेगा हिमेटोमा और फिर सॉफ्ट कैलस। और देखो, ये इधर प्राथ, और उसके बाद किसका निर्माण होगा? प्राथमिक कैलस का निर्माण हो जाता है, ये भी क्लियर कट लिखा हुआ है। और उसके पश्चात क्या होगा? सेकेंडरी कैलस का निर्माण हो जाएगा। जब तीन शब्द मिल गए तो ये भी नोट्स में था। ठीक है, ये भी लगभग कोचिंग में नहीं पढ़ाया। अब देखिए, ए प्रोसेस बाय विच द मैसेज इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम सोर्स टू द रिसीव। ठीक है, ये बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है कि किसी से मैसेज रिसीव करना है तो उसको क्या बोलते हैं? अगर आपको अपनी कोई बात किसी को कहनी है, चार आदमी बैठ के बात कर रहे हैं, तो वो क्या है? कम्युनिकेशन है। ये क्लास में बहुत बार सर ने, पूनिया सर ने बताया होगा, कम्युनिकेशन तो उन्होंने बहुत अच्छा पढ़ाया था। ठीक है, जिसके 7 स्टेप बताए थे। अब देखिए नेक्स्ट, कोऑपरेटिव, जैसे को संयुक्त रूप से स्वामित्व वाले और लोकतांत्रिक रूप से नियंत्रित उद्यम में माध्यम से अपनी आम आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक जरूरतों और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए स्वेच्छा से एकजुट व्यक्ति के एक स्वायत्त संघ के रूप में परिभाषित किया जाता है। ये आपके शानदार सेशन चल रहा है ना, तो मैं इसलिए आपके लिए आई हूँ कि भाई देखो, अभी तक ये आपके सामने चला गया, ये तो क्या फिल्म का डेमो था,
ये तो सिर्फ फिल्म का क्या ट्रेलर है, अब आप 23 की भर्ती के अंदर आपको कुछ अलग करना है, सिलेक्शन लेना है, तो आप न्यू उड़ान क्लासेज ज्वाइन करें, क्योंकि न्यू उड़ान क्लासेज किस प्रकार अलग कर रहा है वो आपके सामने है। परिणाम कहते हैं ना, प्रत्यक्ष को परिणाम की जरूरत नहीं है, तो आपके सामने प्रत्यक्ष आपको रूबरू करवा रहे हैं। ये तो ट्रेलर है, पूरी मूवी आप 23 के अंदर देखते जाओ किस प्रकार काम करते हैं। और अभी की बार मैं दोबारा बता देती हूँ, न्यू उड़ान क्लासेज टीम उसी पर काम करेगा कि हमारे पास में कितनी 5 टीम है, सिर्फ वेटरनरी ओनली, जीके की 3 टीम अलग है, तो जो सब्जेक्ट का स्पेशलिस्ट है वो उसमें काम करेगा, समझ रहे हो आप। जैसे सर आपको एनाटॉमी पढ़ा रहे हैं, तो सर को बहुत ही अच्छा एनाटॉमी का बहुत ही शानदार नॉलेज है, और एनाटॉमी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर कंसेप्ट अगर क्लियर नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। 3 दिन आपको याद रहेंगे, 4th दिन आप कन्फ्यूजन, पूरा जो याद किया वो भी भूल जाओगे, तो आप इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखना है अपने को, और बढ़िया करना है। सभी को ऑल द बेस्ट है। अगर तैयारी घर पे करना चाहते हो, जैसे भी करना चाहते हो, तैयारी करो, लग जाओ। न्यू उड़ान क्लासेज आपके साथ में कदम से कदम मिला के आपके घर ढाणी जहाँ पर भी हो आपके साथ है, ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे भी हो, ठीक है ना। जिसको भी जैसे चाहिए आप ज्वाइन करो, आपका न्यू उड़ान क्लासेज में स्वागत है। परेशान जी आपके साथ में बने हुए, सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप स्टूडेंट के बीच में आज आए, अपना समय दिया और आपके लिए बहुत ही शानदार सेशन करवा रहे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं अपन। कोऑपरेटिव इसका आंसर गया था, ठीक है, ये भी बिल्कुल सिंपल था, सहकारिता का मूल तंत्र, ठीक है। सामाजिक उत्थान या सहयोग की भावना, इसकी डेफिनेशन थी पारस्परिक सहयोग के आधार पर गरीब व आर्थिक दृष्टि से पिछड़े लोगों को शोषण से बचाना व विकास की धारा को जोड़ना, ये भी एक्सटेंशन का क्वेश्चन है। अब देखिए नेक्स्ट, द डिवाइस थ्रू विच इज द मैसेज कैन ओनली बी सीन आर नोन एज, यानी जिसको देख सकते हैं, ठीक है। तो विजुअल, विजुअल मतलब देखना, ये तो आप सीधा डेफिनेशन से ही करते हैं। ऑडियो मतलब तो केवल सुन ही सकते हैं। विजुअल एड्स मतलब जिसको देख भी सकते हैं, ये भी किताब में नोट्स में दोनों जगह लिखा हुआ है कहीं ना कहीं, ठीक है। विजुअल एड्स ये रहा, इसके जस्ट पीछे वाले पेज पे दे रखी है इसकी डेफिनेशन। अब देखो इसमें विजुअल एड्स कैसे कैसे प्रोजेक्ट के थ्रू आपको दिखा सकते हैं, स्लाइड के थ्रू आप देख सकते हो, फिल्म पट्टी के थ्रू देख सकते हो, पूनिया सर ने बढ़िया से बताया था आपको। नेक्स्ट देखिए पोस्टर, तो पोस्टर भी लिख, पोस्टर आंसर गया है, तो पोस्टर पूरा दिया हुआ है। जब किसी नई तकनीक या योजना को चित्र और लिखाई के दौरान प्रदर्शित किया जाता है लोगों को आकर्षित करने के लिए, यानी पोस्टर बना लिया, कोई भी चीज़ प्रदर्शनी लगा ली वहाँ की, यह चीज़ ऐसे हो रही है, तो ये भी आपकी गाइड से है पेज नंबर 214 से। इसका जो आंसर था कि लोगों के बीच जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से सार्वजनिक स्थान पर प्रदर्शनी एक तख्ती है, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगी, पोस्टर। रेडियो तो कहलाएगा नहीं, प्रदर्शनी लगानी अपने को तो पोस्टर के थ्रू ही लगाए जाते हैं, ये देखो पूरा रंगीन बना के कपड़े से तैयार करके। नेक्स्ट देखिए, अपने विशिष्ट श्रेणी परिणामों को दिखाकर लोगों को नई या बेहतर पद्धति अपनाने के लिए प्रेरित करने की एक विधि है, ठीक है, रिजल्ट डेमोस्ट्रेशन। ये देख लिए रिजल्ट डेमोस्ट्रेशन, ठीक है, प्रदर्शन, ठीक है, परिणाम लव डेमोस्ट्रेशन ये वाला, ठीक है। इस विधि में प्रसार व कार्यकर्ता नई तकनीक की तुलना में पूरी तकनीक से सामान्य परिस्थिति में करता है, तथा पशुपालकों को नई तकनीक के फायदे बताकर तकनीक को अपनाने के लिए प्रेरित करता है। ये भी यहाँ से आया था, थोड़ी सी देखो एक्सटेंशन हो चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, हल्की सी लैंग्वेज को घुमाई है, पर जिसने समझ रखा है ना कि इस चीज़ का मतलब ये होता है, तो उस बच्चे ने क्वेश्चन गलत नहीं किया। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से एक इलेक्ट्रॉनिक सर्वदर्शी माध्यम है जो समकालिक ध्वनि के साथ चित्र प्रदान करता है, ये तो सभी को पता है, ध्वनि भी देगा और चित्र भी देगा, कौन देगा, टेलीविजन। रेडियो में आपको चित्र नहीं दिखेगा, कोई भी पिक्चर नहीं दिखेगी, टेलीफोन में आपको कोई भी पिक्चर नहीं दिखेगी, कैलकुलेटर में कौन सी पिक्चर दिखती है, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है। टेलीविजन में आपको चित्र भी दिखेगा, उसकी वॉइस भी आएगी, ठीक है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, ये सबको पता है। टेलीविजन ये रहा टीवी, रोचक और प्रभावशाली सामग्री, मनचाही वीडियो बनाकर एक लंबे क्षेत्र में, ये सिंपल सा क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल डज नॉट हैव ए रूमन, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर है जो रूमन नहीं रखता। अब आपको पता है गाय भी रूमन रखती है, भेड़ भी रखती है और भैंस भी रखती है। गाय तो लार्ज रूमिनेंट एनिमल है और भेड़ और भैंस स्मॉल रूमिनेंट एनिमल है, ठीक है, तो ये सुअर है जो मोनोगैस्ट्रिक एनिमल है, ठीक है, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, मोनोगैस्ट्रिक एनिमल है जो नहीं रखता, ये यहाँ दे रखा है, जुगाली करने वाले सूडो रूमिनेंट मोनोगैस्ट्रिक, ठीक है, इसमें दे रखा है, देखो हाथी, कुत्ता, बिल्ली, जेबरा, खच्चर, घोड़ा, सुअर, ये रहा सुअर क्या है, मोनोगैस्ट्रिक है, नॉन रूमिनेंट एनिमल है, ये रहा।
ठीक है, ये भी आपके पेज नंबर 61 से आया हुआ है मैनेजमेंट में। ये तो बहुत बार पढ़ाते हैं, गैस्ट्रिक मोनोगैस्ट्रिक एनाटॉमी में पढ़ाते हैं, एलपीएम में पढ़ाते हैं, फिजियोलॉजी में पढ़ते हो। आनंद पैटर्न के तहत गठित सहकारी प्रणाली में स्तरीय है, कितने स्तर होते हैं आनंद पैटर्न के? ये तो पूनिया सर ने बहुत अच्छे तरीके से बताए होंगे अमूल के। ठीक है, ये रहा अमूल आनंद पैटर्न वाला। तो ऑपरेशन फ्लड डेयरी सहकारिता कितने होते हैं? 3। ये तीन चरण। ठीक है, थर्ड, थोड़ी सी मेरी एक्सटेंशन वीक है। देखिए, गोट इज बिलोंगिंग टू जीनस, ये बिल्कुल सिंपल है, कौन से जीनस से है? कैप्रा से। ठीक है, ये ऑब्वियस तो आपको पता ही है, शीप के लिए है, और बॉस बफलो के लिए, सबको पता है, गैलियस पोल्ट्री के लिए है, तो ये रहा। ठीक है, कहाँ गया इसमें, देखिए मैं बता देता हूँ आपको, ये रहा कैप्रा, ये वाला रहा। ठीक है, किसके लिए है? बकरी के लिए। तो जीनस पूछा था, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। अब देखिए, ये को सूक्ष्म जीवी और संवर्धित उत्तक कोशिकाओं, जीन इंजीनियरिंग, जैव रासायनिक, ये भी आउट ऑफ सिलेबस था। बायोटेक्नोलॉजी तो हमारे बीबीएससी में ही बहुत एक सेमेस्टर में चलती है, बहुत छोटा सा पोर्शन, यहाँ पूछ लिया बायोटेक्नोलॉजी का कोई रोल नहीं है, आपको कोई इंजीनियर थोड़े बनाना, बिल्कुल बेकार क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट, ए सबस्टांस प्रोड्यूस बाहरी पदार्थ द्वारा आक्रमण का मुकाबला करने के लिए एक सुरक्षात्मक तंत्र को रूप में, शरीर में उत्पादित पदार्थ को रूप में जाना जाता है, ये सभी को पता है, एंटीबॉडी किसको कहते हैं? मैंने भी आपको मेडिसिन में बताया था, पूनिया सर ने भी बताया था। ठीक है, ये रहा एक विशिष्ट ग्लाइकोप्रोटीन जो प्लाज्मा कोशिकाओं तथा बी लिम्फोसाइट कोशिकाओं द्वारा स्थिरित होता है, गामा ग्लूकोन से मिलकर बना होता है, यानी इम्यूनिटी के बारे में पूछा है, जो बाह्य पदार्थों से रोकता है अपने को। ठीक है, अब देखिए, फैमिली ऑफ प्लांट विच आर यूजुअली हाई इन प्रोटीन एंड विच आर नेचुरली इम्प्रूव द नाइट्रोजन कंटेंट ऑफ द सॉइल इज नोन एज, ऐसे कौन से पदार्थ हैं? ठीक है, जिनके अंदर प्रोटीन उच्च मात्रा में होता है, जो स्वाभाविक रूप से मिट्टी की नाइट्रोजन सामग्री में सुधार करते हैं, ये तो अपन 10th क्लास 12th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। लेग्यूमिनस प्लांट, लेग्यूमिनस प्लांट, ठीक है, इसका भी प्रूफ देख लीजिए, लेग्यूमिनस प्लांट, ये रहा, ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ये तो बहुत टाइम से पढ़ते आ रहे हैं अपन। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द नॉर्मल रेट ऑफ रेस्पिरेशन इन एडल्ट हॉर्स? ठीक है, 8 से 12 मिनट ये लिखा रखा हॉर्स का, ये रहा 8 से 10 अपनी गाइड के अंदर है, ऑप्शन के हिसाब से 8 से 12 चला जाएगा अपनी गाइड के अंदर है, वेटनरी एनिमल मैनेजमेंट के अंदर, ये देखिए 8 से 12 ही जाएगा ऑप्शन के हिसाब से, क्योंकि और तो 18 से 24 28 से 34 25 से 40 है, तो ये भी अपनी गाइड के अंदर है, पेज नंबर 82 पे दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेसरी सेक्स ऑर्गन ऑफ मेल, कौन सा ऐसा है निम्नलिखित में से कौन सा नर पशु का सहायक अंग नहीं है? ठीक है, सेमिनल वेसिकल मेल के अंदर होती है, बिल्कुल होती है, प्रोस्टेट ग्लैंड भी होती है, बिल्कुल होती है, काउपर्स ग्लैंड भी होती है, लेकिन लैक्रिमल ग्लैंड नहीं होती। सेक्स ऑर्गन पूछा है, ठीक है, ये सारे सेक्स ऑर्गन है, शुक्राशय, प्रोटेस्ट, प्रोस्टेट और काउपर्स ग्लैंड, ये सारे हैं, लेकिन लैक्रिमल ग्लैंड नहीं है, तो ये तो आप देख सकते हो यहाँ से। ठीक है, ये रहे सहायक अंग, एसेसरी सेक्स ऑर्गन कौन कौन से, प्रोस्टेट है, सेमिनल वेसिकल है, कूपर्स ग्लैंड है, लेकिन कहीं भी लैक्रिमल ग्लैंड नहीं लिखा, लैक्रिमल ग्लैंड होती है जो आई के अंदर उपस्थित होती है। ठीक है, तो ये सेक्स ऑर्गन नहीं है, ठीक है, एसेसरी सेक्स ऑर्गन नहीं है, तो ये तो बिल्कुल सिंपल था, ये तीनों होते हैं, लैक्रिमल नहीं होता, लैक्रिमल ग्लैंड आईज के अंदर उपस्थित होती है। ठीक, अब देखिए, हु इज द एक्लिन एज द फादर ऑफ इंडियन फार्मेकोलॉजी, ये भी अपने वाले सब्जेक्ट का क्वेश्चन आ गया कि इंडियन फार्मेकोलॉजी फादर किसको कहते हैं, ये भी किसी कोचिंग ने नहीं कराया, लेकिन अपन ने सभी फादर्स के नाम इस पर डाल रखे थे, इसलिए देखिए ये भी मेरी सब्जेक्ट का क्वेश्चन ही है। ठीक है, मैंने क्लास में भी लिखवाया था, ये देख लीजिए, रामनाथन चोपड़ा, सबके फादर लिखा रखे हैं, रामनाथ चोपड़ा, फादर ऑफ इंडियन फार्मेकोलॉजी, ये देख लीजिए, रामनाथन चोपड़ा, सब लिखा रखे थे, मैंने क्लास में भी लिखाए थे, कीमोथेरेपी, टॉक्सिकोलॉजी, सब। नेक्स्ट देखिए, विच अमंग द फॉलोइंग कैन नॉट बी कैटेगराइज अंडर द क्लास ऑफ एंजाइम, निम्नलिखित में से किसे किण्वन वर्ग के अंतर्गत वर्गीकृत नहीं किया जाता? आंसर गया इंसुलिन। अब ये देखिए, पेज नंबर 192 पे दिया हुआ है, ये रहा इंसुलिन,
ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित करना, ठीक है। तो ये भी अपने फिजियोलॉजी के अंदर क्लियर कट लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ओआई इज ऑफन रेफर्ड टू एज, ठीक है, पशु स्वास्थ्य के लिए विश्व संगठन। वैसे ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, ओआई का, ठीक है, लेकिन पूनिया सर ने आपको एक्सटेंशन या किसी ना किसी क्लास में बताया होगा, लेकिन अपनी गाइड में ये क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे इसका कोई भी प्रूफ दिया नहीं है। ए ब्रांच ऑफ फार्माकोलॉजी, ये फिर मेरा क्वेश्चन आ गया, ये तो बिल्कुल सिंपल है, फार्माकोकाइनेटिक्स, मैं पढ़ूंगा ही नहीं क्वेश्चन को, ठीक है, ये लिखा रखा फार्माकोकाइनेटिक्स के अंदर का शरीर की औषधि पर पड़ने वाले प्रभाव को देखा जाता है, जिसमें शरीर द्वारा औषधि का एब्जॉर्प्शन, मैंने बताया था ADME, ये तीन शब्द बताए थे, ठीक है, ए मतलब एब्जॉर्प्शन, डी मतलब डिस्ट्रीब्यूशन, एम मतलब मेटाबॉलिज्म, ई मतलब एक्सक्रीशन, ये भी अपने सब्जेक्ट का ही था और मैंने बताया भी था फार्माकोकाइनेटिक्स डायनेमिक्स में, कंफ्यूज मत हो जाना, थोड़ा सा होते ही, लेकिन देखो आप लैंग्वेज भी देख लो, आप औषधि विज्ञान की वह शाखा जो दवा के अवशोषण वितरण, सीधी लैंग्वेज आई है, ठीक है, अगर इसकी उल्टी लैंग्वेज आ जाती तो दिक्कत हो जाती। ये भी अपनी गाइड से था। ये देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंट इज यूज टू प्रिवेंट कोगुलेशन ऑफ ब्लड स्पेसिफिक कलेक्टेड फॉर ट्रांसफ्यूजन पर्पज, यानी कौन सा एजेंट यूज करते हैं, EDTA भी करते हैं, ठीक है, सोडियम सिट्रेट भी करते हैं, स्पेशली कलेक्टेड फ्रॉम ट्रांसफ्यूजन के समय, यानी ब्लड जब ट्रांसफ्यूजन करते हैं तो उसमें किसको लेते हैं, ठीक है, EDTA में तो अपन समटाइम्स के लिए लेते हैं। तो ये देखिए, ये भी कहीं ना कहीं डीडी सर ने लिखवाया था, ठीक है, ये रहा सोडियम सिट्रेट, कृत्रिम, आर्टिफिशियल है सोडियम सिट्रेट, रक्त का स्थानांतरण करने में, ये रहा रक्त स्थानांतरण को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ये भी फिजियोलॉजी में लिखवा रखा है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन के अंदर कौन सा स्कंदक यूज लेते हैं, सोडियम सिट्रेट, देख लो रक्त स्थानांतरण, पेज नंबर 173, ये भी अपनी बुक से है, वापस से देख सकते हो, ठीक है, ये रहा, निम्नलिखित में से प्रयोग में रक्त जमाव को रोकने के लिए किया जाता है, एजेंट का उपयोग विशेष रूप से आधान प्रयोजनों के लिए, इंग्लिश देखो ट्रांसफ्यूजन, ब्लड ट्रांसफ्यूजन जब कलेक्ट कर रहे हैं तो क्लियर कट लिखा हुआ है सोडियम सिट्रेट। एक मिनट, हाँ ये आ गया। नेक्स्ट, अब देखिए लास्ट क्वेश्चन है, दवा जो मौखिक रूप से दी जाती है प्राथमिक कारण को हटाकर रूमिनो रेटिकुलर गतिशीलता को सुविधाजनक बनाकर रूमिनल स्टेसिस प्रथम अमाशय के रस बाहों में अवरोध कर देती है, लिक्विड पैराफिन, ठीक है, इसमें आंसर क्या गया, लिक्विड पैराफिन, कई कई बुक्स में वेजिटेबल ऑयल भी लिख रखा है, ठीक है, अब देखते हैं इसमें, एल्कोहल, बेलाडोना, तेरल गैस, ठीक है, जैतून का तेल, ये रहा पैराफिन तेल, इमोलेंट्स के अंदर दिया हुआ है, ठीक है, तो ये क्या जाएगा, वैसे वेजिटेबल ऑयल्स भी यूज कर सकते हैं अपन, लेकिन इसने पूछा रूमन की गति बढ़ाने के लिए, ठीक है, शरीर के विभिन्न भागों में सुरक्षात्मक, ये तो इमोलेंट्स की डेफिनेशन हो गई, रूमन की गति बढ़ाने के लिए, तो ये भी थोड़ा सा क्वेश्चन क्या घुमा हुआ था, संधू किताब से सीधा का सीधा ऐसे उठाया था ये क्वेश्चन, मेरे ही सब्जेक्ट का फार्मा का, ठीक है, रूमन रेटिकुलर कि गतिशीलता को कौन सा बढ़ाता है, ये इंग्लिश लैंग्वेज सेम उस किताब से उठाई थी ऐसे कि ऐसे, तो इसका सही आंसर क्या जाएगा, लिक्विड पैराफिन, इसमें भी काफ़ी सारे स्टूडेंट ने वेजिटेबल ऑयल किया था, ठीक है दोस्तों। थैंक यू, तो ये आपको आज आपको मैंने लाइव सेशन में ये बता दिया है कि न्यू डॉन वेटनरी की गाइड से कितने आए। देखिए आपको इससे एक चीज़ पता चल गई होगी कि क्वेश्चन सिंपल नहीं आ रहे, क्वेश्चन हल्के हुए घूमे आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपको सभी क्वेश्चनों को या लैंग्वेज को समझ के करना है, ऐसा नहीं है हमने जो लैंग्वेज लिख दी वही, उसका मीनिंग समझना है और देखना है, ऐसे सीधा रट्टाफिकेशन वाला नहीं आते आजकल पेपर, तो लगभग हमारे 80 में से 70 से बेहतर क्वेश्चन हमारे न्यू उड़ान गाइड और नोट्स के से अंदर आए हैं, ठीक है। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, फिर आगे 2023 के अंदर अपनी कंटिन्यू क्लास आ रही है, ठीक है दोस्तों, जय हिंद जय भारत।
ये अपनी गाइड थी दोस्तों, ये अपनी गाइड थी पशुधन सहायक भर्ती परीक्षा हेतु न्यू उड़ान वेटनरी गाइड। इस बुक के ये सारे पेज मैंने लिए थे, ठीक है, ये गाइड थी अपनी दोस्तों। और इसके अलावा जो अपने नोट्स थे, ये अपनी इंग्लिश मीडियम की गाइड है दोस्तों, न्यू उड़ान की, पंजाब वेटनरी इंस्पेक्टर के लिए, AVFO के लिए। कुछ स्टूडेंट्स कमेंट कर रहे हैं, हम इनमें भी इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, इनका सेकेंड एडिशन निकालेंगे, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों का, ठीक है। और जैसे कुछ VLD हरियाणा या MP के अंदर कुछ का सिलेबस ज़्यादा है तो वो चीज़ें भी हम ऐड करेंगे। ये अपनी इंग्लिश मीडियम की गाइड थी, और जो हमारे नोट्स थे वो तीन आपको प्रिंटेड दिए ही थे, और ये अपनी क्वेश्चन बैंक थी। तो हम जल्द ही इस बार 2023 के लिए इस पर काम कर रहे हैं कि जो अपनी ये जो बुक है अपनी क्वेश्चन बैंक है, इसमें भी नए क्वेश्चनों का समावेश करेंगे, और कुछ क्वेश्चंस को जो इसमें कई कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक है उनको इम्प्रूव करेंगे। तो इस बार भी दो गाइड निकालेंगे जिसमें एक कंप्लीट थ्योरी होगी। क्या होगी? जिसमें एक कंप्लीट थ्योरी होगी और एक कंप्लीट क्वेश्चन बैंक होगी। इस बार थ्योरी के साथ क्वेश्चन नहीं देंगे, अपनी दो गाइड निकलेंगे। हालांकि अपनी पहले ही निकली हुई है, इसका भी सेकंड एडिशन आएगा और उसका भी सेकंड एडिशन आएगा। जो प्रश्नोत्तरी वाला है उसका भी सेकंड एडिशन, और जो अपनी हिंदी मीडियम की न्यू उड़ान गाइड है उसका भी सेकंड एडिशन आएगा, जिसमें हम कुछ टॉपिकों को और इसमें ऐड करेंगे और इसको और मोटा बनाएंगे, ठीक है। जो चीज़ें छूट गई हैं या ऐसे इस एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इस बार देखा है तो इसमें कुछ आपको नया देखने को मिलेगा, ठीक है, इस गाइड के अंदर। और इसमें इंग्लिश टर्मिनोलॉजी को ज़्यादा अपन प्रिफ्रेंस देंगे, ठीक है। तो इसके भी सेकंड एडिशन आएगा जल्दी, इस पर भी हमारी टीम काम कर रही है। और अपने जो दूसरी है प्रश्नोत्तरी वाली या क्वेश्चन बैंक है, उसका भी सेकंड एडिशन जल्दी मार्केट में आएगा। ओके दोस्तों, थैंक यू।